हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। सो, आज के टाइम पे हम जब भी एक वीडियो कॉल या कुछ भी वाया लैपटॉप वेबकैम यूज करते हैं तो हमें चाहिए होता है एक बेस्ट क्वालिटी का वेबकैम। सो, ऐसे में एक नया वेबकैम लेने से अच्छा है कि लेट्स गेट टू द पॉइंट, अपने मोबाइल फोन को एज अ वेबकैम कैसे यूज कर सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। सो, फटाफट से वीडियो में स्टार्ट करते हैं एंड एंड्रॉइड iOS दोनों के बारे में बता दूंगा। सो, अगर वीडियो पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हो एंड साथ ही बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ऐसी मजेदार वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, अगर इसको ऑन एंड्रॉइड डिवाइस कंटिन्यू करना, मतलब एक एंड्रॉइड डिवाइस पे अगर एक एंड्रॉइड फोन को एज अ वेबकैम यूज करना है, सो वो हम कैसे करेंगे? तो फटाफट से अपन OBS को स्विच ऑन कर लेते हैं एंड OBS पे इसको फाइनली कनेक्ट करते हैं। सो एंड्रॉइड में जब आपको इसको करना है, सो आपको यूज करना पड़ेगा ड्रॉइड कैम, जो कि इजिली फ्री में अवेलेबल हो जाता है। एंड iOS में आपको अगर इसको यूज करना है, सो एलगाटो से भी एक सॉफ्टवेयर आता है OOFICE कैम, ये आपको लैपटॉप और मोबाइल दोनों में मिल जाएगा। दोनों के मैं सेटअप बता देता हूँ, वैसे आप इसको बहुत ही इजिली कर सकते हो। अभी छोटा वीडियो रहेगा, फटाफट समझ में आने वाली चीज है। एंड अगर कुछ समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम जिंदाबाद है, उधर जाके ज्वाइन कर सकते हो एंड उधर आपको इसके बारे में और डिटेल्स आसानी से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो सबसे पहले OOFICE कैम है, उसका इंस्टॉलेशन बता देता हूँ किस तरीके से अपने वो करने का है। तो सबसे पहले OOFICE कैम गूगल क्रोम पे डाल के फर्स्ट लिंक को एक्सेस कर लो। एक्सेस करने के बाद अपने को नीचे स्क्रॉल डाउन करके विंडोज जो है उस पर क्लिक करना है, क्योंकि एक मैक OS के लिए भी अवेलेबल है, आईफोन ऐप स्टोर के लिए, क्योंकि बेसिकली ये विंडोज एंड आईफोन्स के लिए बनाया गया था। तो विंडोज पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद नीचे और भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको, क्योंकि ये एक एडवांस सॉफ्टवेयर। नीचे जाके आपको सबसे पहले OOFICE कैम को सिलेक्ट कर लेना है, उसको विंडोज पे सिलेक्ट करके एंड नीचे 3.6 वर्जन जो है इसका उसको डाउनलोड करना, मतलब एक ही अपडेटेड वर्जन मिलेगा उसको डाउनलोड कर लो। क्लिक करने पे डाउनलोड हो जाता है एंड सेटअप कर लेना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसको सीधा एक्सेस करना है OBS से। एंड ऐसे ही फटाफट से देव 47 ऐप जो है ये ड्रॉइड कैम के लिए, ड्रॉइड कैम डालते ही गूगल पे ये नीचे विंडोज क्लाइंट आ जाएगा और आप इसको लिनक्स के लिए भी कर सकते हो। एंड उसको फटाफट से इधर से इंस्टॉल कर लेना है, बस एक सिंपल सा प्रोसेस है और ये इधर से इंस्टॉल हो जाएगा। ड्रॉइड कैम का इंस्टॉलेशन जो है वो आपको खुद करके बता देता हूँ। सो, इसको इधर से इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस टाइप में ऐप खुल के आएगा। आपको इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके अंदर परेशान हो जाते हैं कि जो डिवाइस आईपी है उधर आपको डिवाइस आईपी ना डाल के आपके मोबाइल में जो वाईफाई का आईपी है वो इधर डालना है। वो एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन था, मैंने सोचा बता दूँ तो मैंने बता दिया। सिंपल, बस इतना करने से स्टार्ट पे क्लिक कर दी, वेबकैम स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, अभी हमारा कंप्यूटर स्क्रीन जो है उस पर हम शिफ्ट हो चुके हैं। सो सबसे पहले जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था उसको जाके पूरा चेकआउट कर लेना वापस से, उसकी लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे मिल जाएगी। OBS ओपन कर लेते हैं एंड अपना जो स्ट्रीमिंग सेटअप है उसमें चले जाते हैं। इसके ऊपर अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो वो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से कमेंट्स डालने होंगे, इंस्टा पे DM कर देना, उधर इजीली शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ। सो स्ट्रीमिंग सेटअप में जाके सबसे पहले हमें ना ये अपना जो सीन के आगे वाला विंडो है उसमें जाके वीडियो कैप्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड वीडियो कैप्चर में हमारा जो एंड्रॉइड का ड्रॉइड कैम वाला वेबकैम है उसको पहले डाल लेते हैं, उसके बाद iOS वाले को भी डाल देंगे। तो इसको एंड्रॉइड फ़ोन नाम दे देता हूँ क्योंकि ईजी पहचानने में रहेगा। अब इसको ओके कर देते हैं एंड ये जो है ये हमारा iOS का है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें ज्वाइन कर रखा है। बट हम ड्रॉइड कैम सोर्स 2 पे जाएंगे एंड बूम, ये जो हमारा एंड्रॉयड का वेब कैम है वो आ चुका है, इसको मैंने पकड़ के रखा है। अब इसको ओके करके इसको साइड में ड्रैग कर लेता हूँ एंड अब दूसरा जो iOS वाला है उसको भी साथ ही में जोड़ लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों की क्लियरिटी में कितना डिफरेंस आता है। iOS के लिए आपको OOFICE कैम इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका भी प्रोसीजर मैंने पहले आपको दिखा दिया वीडियो में। सो इसको iOS फ़ोन नाम दे देते हैं, सो वो थोड़ा सा ईजी रहेगा। एंड अब इसको भी एज इट इज़ साइड में ट्रैक कर लेते हैं, बट ये ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट के साथ आया। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है OOFICE कैम के बारे में एंड इसके अंदर आपको ब्लर बैकग्राउंड का भी एक फीचर देखने को मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। इसमें एक क्रोमा की का फंक्शन भी डाल लेता हूँ ताकि क्या ये फिल्टर्स में जाके फटाफट से पहले क्रोमा की डाल लेते हैं तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है एंड थोड़ा इसको फीचर्ड बनाता है। सो iOS के थोड़े मजे हो जाएंगे आपके। एंड अब एंड्रॉयड एंड iOS दोनों आपके सामने हैं। iOS में एक और ड्रॉबैक लगा मुझे, वाटरमार्क देखने को मिल गया एलगाटो का, बट कोई ऑप्शन नहीं है, हटता भी नहीं है, बट इतना नोटिस में भी नहीं आएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो टेलीग्राम इस 24/7 ओपन,
उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक। सो ये था कंप्लीट प्रोसेस लैपटॉप के थ्रू अपने वेबकैम को एक्सेस करने का। काफी ज्यादा इजी था, इतना कुछ हार्ड नहीं था। बट एक सोर्स कुछ भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि ड्रॉइड कैम में काफी सारी प्रॉब्लम्स काफी टाइम फेस करनी पड़ती है। इसमें जहाँ पे आईपी डिवाइस आईपी का जहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, वहाँ पे आपको अपने वाईफाई का आईपी डालना पड़ता है जो मोबाइल में डिस्प्ले होता है। एंड इसके रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पर मिल जाएगी। उधर आपको इसके बारे में अलग अलग डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। कुछ भी अगर फॉलोइंग प्रॉब्लम, ईपीओसी कैम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती है। आईओएस के थ्रू बहुत ही इजीली हो जाता है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपका जो वाईफाई है वो मोबाइल में और लैपटॉप में एक ही जैसा कनेक्टेड हो। मैंने इसको स्मार्ट टीवी में ट्राई नहीं किया, हो सके तो उसमें भी क्या पता हो जाए, हालांकि मैंने उसमें इसको ट्राई नहीं किया है अभी तक। और मल्टीपल मॉनिटर्स में बहुत इजीली काम कर जाता है। आप कितने भी सॉफ्टवेयर में, चाहे स्ट्रीम लैब्स ओबीएस में करो या इसमें ओबीएस स्टूडियो में करो, इजीली कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो यही था कुछ कंप्लीट प्रोसेस इसके बारे में। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन आप सबके लिए है, उधर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड ज्यादा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तो उधर ज्वाइन कर लो, उधर आपको इन सबके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ एंड बाय बाय।